फैमिली कोर्ट क्या होता है और कौन कौन से मैटर फैमिली कोर्ट में जाते हैं, मतलब कौन कौन से मैटर हम फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट को समाज की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी इकाई के रूप में देखा जाता है। फैमिली कोर्ट एक ऐसा ग्राउंड है जहां आकर लोग अपने बिगड़ते हुए परिवार को बचा सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लॉज के अकॉर्डिंग हमें मिला हुआ है जहाँ पे अगर हमारे फैमिली रिलेशंस के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर या बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जिसके अंदर बहुत दिक्कतें होती हैं, तो हम फैमिली कोर्ट में जाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं, अपने ज़रूरतों की मांग कर सकते हैं, अपने बीच के गिले शिकवे ख़त्म कर सकते हैं। पारिवारिक कानून मतलब फैमिलीज लॉ बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दों पर विचार करता है। लॉ कमीशन ने अपनी 59th रिपोर्ट में फैमिली कोर्ट का रिकमेंडेशन दिया था। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जेंडर जस्टिस की मांग बहुत ज्यादा होती है, तो जेंडर जस्टिस की मांग के साथ साथ फैमिली कोर्ट की मांग को भी बढ़ावा मिला है। इंडिया में फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 पास किया गया था। ये फैमिली कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो फैमिली के डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए पूरी एफर्ट करे। अब बात करते हैं उन मैटर्स की जो फैमिली कोर्ट के समक्ष फाइल होते हैं या जिन्हें फैमिली कोर्ट में फाइल किया जाता है। सबसे पहला मैटर, किसी की शादी को खत्म करना या रद्द करने के मैटर्स को डील करना फैमिली कोर्ट की पावर है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मतलब सेक्शन 9 का जो केस होता है वो फैमिली कोर्ट में फाइल किया जाता है। तीसरा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब डिवोर्स का जो केस होता है वो भी फैमिली कोर्ट में ही फाइल किया जाता है। चौथा, यदि किसी मैरिड कपल में एक दूसरे की प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है या दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो भी फैमिली कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। पांचवा, शादीशुदा रिलेशन के अंदर यदि कोई भी किसी भी तरह का इंजंक्शन लेने की सिचुएशन अराइज होती है तो ऐसे मैटर्स को भी फैमिली कोर्ट में ही सुना जाता है। छठा, किसी की भी लेजिटिमेसी का अगर कोई इश्यू है कि बच्चा है या कोई मैरिज है उसकी अगर लेजिटिमेसी का कोई सवाल अगर उठता है तो ऐसे मैटर्स, ऐसे सूट्स भी फैमिली कोर्ट में ही फाइल होते हैं। सातवां, जो मेंटेनेंस का सूट होता है मतलब गुजारे भत्ते का सूट जो होता है वो भी फैमिली कोर्ट में ही फाइल किया जाता है। आठवां, चाइल्ड कस्टडी का मैटर जो गार्जियनशिप का जो मैटर होता है वो भी फैमिली कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे मैटर्स के बारे में बताया जो फैमिली